हम एक पूतना जब भगवान कृष्ण को दूध पिलाने के लिए आई, जब भगवान कृष्ण को विष पिलाने के लिए पूतना इतना सुंदर रूप धर के आई, इतना सुंदर रूप धर के आई कि दुनिया के लोग पहचान नहीं पाए कि यह पूतना है। कई लोग तो कह रहे थे बड़ी सुंदर अप्सरा है, बड़ी सुंदर है, बड़ी सुंदर है, बड़ी सुंदर है, चारों तरफ आनंद आनंद समा रहा था। कई लोग कह रहे थे बड़ी सुंदर है। अब पूतना का चित्र सुंदर है, पूतना दिखने में सुंदर है, पर शिव महापुराण की कथा कह रही है कि पूतना का चित्र सुंदर हो सकता है पर भगवान को विष पिला रही है, छोटे छोटे बच्चों को विष पिला रही है। इसका चित्र सुंदर हो सकता है पर इसका क्या चरित्र सुंदर होगा क्या? बोल रही बेटमा वाली जी, हो सकता है क्या? नहीं। इसका चित्र सुंदर है पर चरित्र सुंदर नहीं है। पर शास्त्र कहता है कि चित्र पर मत जाना, जाना तो चरित्र पर जाना। जिसका चरित्र सुंदर होगा वो दुनिया का एक आनंद कर जाएगा। चित्र की सुंदरता मूल नहीं है, चित्र की सुंदरता में मूलता नहीं है, चित्र की सुंदरता में वो आनंद की अनुभूति नहीं है। सबको देखना क्या सुंदर सुंदर दिखते हैं, और एक मेरे महादेव को देखना, गले में सांप, कानों में बिच्छू, ततैया का झुंडा, सिर पे जटा, तन पर भस्म, मृग झाला लपेटे हुए, डमरू, श्रृंगी, भृंगी, नंदी, सारे गण पास में, सबकी सब साथ में। जरा शंकर जी के अगर चित्र को देखोगे तो शंकर भगवान का चित्र इतना सुहाना नहीं लगेगा, क्योंकि उनके साथ में सांप भी है, बिच्छू भी है। कोई कोई को अगर दिखाओगे तो उनको भय भी लग जाएगा कि बताओ क्या देवता ऐसे होते हैं जिनके पास सांप होता है, जिनके पास डमरू होता है, जिनके पास त्रिशूल होता है, जिनके कानों में बिच्छू होता है, ततैयों का झुंडा होता है, मृगछाला पर बैठे होते हैं, तन पर भस्म रमा होता है। भले चित्र कैसा भी हो मेरे महादेव का, पर शिव महापुराण की कथा कहती है मेरे महादेव के चरित्र के आगे सारी दुनिया फीकी है, सारी दुनिया फीकी है। क्योंकि मेरा महादेव का जो चरित्र है, मेरे महादेव का जो एक आनंदमय स्वरूप है, ये सुख प्रदान करने वाला, ये आनंद देने वाला, उस पर किया गया भरोसा, उस पर किया गया विश्वास, उस पर किया गई दृढ़ता कभी हमें डूबने नहीं देती। पर